राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे। मुखातिब हूँ मैं एक थोड़ा घटनाक्रम लेकर। सुभाष गोयल जी इनेलो पार्टी में एक प्रोदा के तौर पर 25 साल तक रहे, इनेलो पार्टी को छोड़ा है। इनेलो पार्टी को क्यों छोड़ा उन्हीं से जानते हैं। सुभाष गोयल जी आपका सबसे पहले स्वागत है हांसी की आवाज़ पर। धन्यवाद। आज आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। 25 साल पुरानी पार्टी आपकी इनेलो पार्टी, उसको आपने तिलांजलि दे दी है, यानी पार्टी को इस्तीफा दे दिया अपने समर्थकों के साथ। क्या वजह रही? राजीव जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि बहुत भरे हुए मन से मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। ये संवेदना ही आपके चेहरे पे नज़र आ रही है, क्योंकि जिस पार्टी का जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि देश भर के 18 प्रदेशों में 38 जगह पर जी उसका प्रचार और प्रसार किया, लोगों के अंदर भावनाएं जगाई, चौधरी देवीलाल जी का नाम ऊंचा करने का काम किया। लेकिन आज के घटनाक्रम में जैसा आपको विदित है, हरियाणा प्रदेश को विदित है, देश को विदित है, जो ये परिवार का झगड़ा हुआ जी, इस झगड़े से बहुत ठेस लगी और परिवार की मर्यादा, पार्टी की मर्यादा का हनन। तो आपने आज, मैं प्रयास करता रहा किसी प्रकार से इनका एक मन बन जाए, लेकिन नहीं लगता, इसलिए मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा। राजनीति में जीवित रहने के लिए पार्टियां ज्वाइन करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, चुनाव लड़ने पड़ते हैं। तो निकट भविष्य में आपकी क्या कार्यप्रणाली होगी और क्या रणनीति होगी आज आपके समर्थक के साथ? मैंने आपके जाने से उनमें भी असमंजस पैदा होगा। नहीं, मैंने आपको अंदर भी यही बात बतलाई थी। हमें मीडिया पे बताइएगा। मैं मीडिया पे ये बात बतला रहा हूँ आपको। मैं मेरे साथियों से, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। जब तक एक टीम नहीं होगी, टीम के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी टीम से मैं इस बारे में मंत्रणा करूँगा, तत्पूर्वांत कोई उसका निर्णय लेगा। मोदी जी से कितना तसव्वुर रखते हैं, कितना प्रभावित हैं आप, जो धारा 370 उन्होंने हटाई है? मैं धारा 370 के लिए उनका कायल हूँ। धारा 370 उन्होंने हटाई, लेकिन इसके साथ साथ जो ये कानून मोटर व्हीकल एक्ट का इन्होंने इतना भारी भरकम बोझ लाद दिया। गरीब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूटी चलाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो स्कूटी छोड़ जाएंगे। 37 बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, इतना जुर्माना। यानी वर्तमान प्रदेश पार्टी जो भाजपा पार्टी है, उसकी कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं? मैं किसी पार्टी विशेष का इस बारे में गुणगान नहीं करूँगा, क्योंकि पार्टियाँ अपने घोषणाएँ बहुत करती हैं और इम्प्लीमेंट कम करती हैं। वही बात भाजपा में है, वही बात कांग्रेस में थी, वही बात हमारे साथ भी कमोबेश थी। सुभाष गोयल का मन धड़कता है चुनाव लड़ने के लिए या नहीं? बिल्कुल, मैं अगर मुझे जिम्मेवारी मिली तो मैं अवश्य लड़ूंगा। नहीं, जिम्मेवारी तो जब मिलेगी आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? मेरे साथी जिम्मेवारी देंगे। अच्छा, मेरे साथी जिम्मेवारी देंगे तो मैं अवश्य लड़ूंगा। अवश्य लड़ूंगा, क्योंकि अब मैं पार्टी विशेष में नहीं हूँ, जो मुझे ऊपर का आदेश। आपने भी अपना रेजिग्नेशन आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौटाला जी को समर्पित कर दिया? ये पहुँच गया, आपके मार्फत पहुँच गया, मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो मीडिया बहुत प्रभावी है। आप जीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी पैरेलल समानांतर खड़ी हुई पार्टी, ऐसा भी नहीं है? नज़दीक में ही नहीं, नज़दीक में नहीं। आप अपनी रणनीति तय करके कार्यकर्ताओं के साथ बात करके कोई निर्णय पे पहुँचे, वर्तमान में आपको कितनी घुटन महसूस हो रही थी कि दोनों का अलग अलग परिवार का टूट जाना? आप अगर अपने परिवार में इस प्रकार से हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी घुटन होती है, वो घुटन मुझे महसूस हो रही है। राजीव जी नमस्कार। पूर्व मंत्री जी जो आपके पिताश्री पार्टी छोड़ रहे हैं, आज दिल तो दुखी है हमारा। हम लोग 25 साल से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े हुए थे, चौटाला साहब के साथ जुड़े हुए थे, मैंने भी बाबूजी के साथ, चौटाला साहब के साथ, अजय भाई साहब के साथ, अबे भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। यूपी में भी मैं 9 महीने जाके काम किया है, राजस्थान में भी मैंने 9 महीने जाके अलग से काम किया है,
अब पारिवारिक झगड़ा इतना बढ़ गया है चौटाला साहब की फैमिली में, अब मन उठ गया था हमारा बिल्कुल। चौटाला साहब की वजह से या छोड़ने का या किसी प्रकार से छोड़ने का ऐसा मन नहीं था, मन भर गया हमारा पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और पब्लिक के काम नहीं हो रहे थे तो चौटाला साहब सरकार हमें दिख नहीं रही आगे, इसलिए हम पार्टी और पार्टी या राजनीति में जिंदा रहने के लिए पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है या चुनाव। वो तीन चार दिन में बाबूजी ने अभी बताया भी आपको, तीन चार दिन के अंदर हम लोग पार्टी पदाधिक जो हमारे वोटर्स हैं मिलने वाले हैं, सगे संबंधी हैं, पारिवारिक हैं, यार दोस्त हैं, सबसे बातचीत करने के बाद तीन चार दिन में ही डिसीजन लेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग राष्ट्रीय पार्टी में, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी रहे। आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उद्योगपति भी हैं और एक युवा राजनेता, क्या पार्टी में आप भी कभी ना कभी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं अपने पिताश्री के चुनाव के चल के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की? हाँ, मेरा मन है, मेरा मन है कोई भी राष्ट्रीय पार्टी में जिसमें भी मान सम्मान मिलेगा, टिकट की दावेदारी होगी तो मिलेगी तो लड़ेंगे जरूर।